हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कॉटलिन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो कॉटलिन की है। ठीक है, तो कॉटलिन में क्या सीखेंगे आइए आपको दिखाता हूं। हम आज लूप लगाना सीखेंगे और फॉर लूप कैसे लगाएं। देखिए, पाइथन में, जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में, ठीक है, इन सब में और जावा स्क्रिप्ट में भी आपने देखा होगा कि लूप कैसे लगाते हैं, ये मैंने सिखाया है। तो यहाँ पर फॉर लूप कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर न्यू पे आता हूं और फिर प्रोजेक्ट न्यू ले लेते हैं हम। इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे कॉटलिन दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रूबी दिया हुआ है, तो हम कॉटलिन पे टिक कर देते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अब इसको एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ टीएसआई, एक नाम दे दिया मैंने टीएसआई, एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि टीएसआई जो नाम दिया था हमने वो यहीं पे आ रहा है, तो डबल क्लिक इस पे कर दीजिए और आ जाइए कहाँ, सीधा सोर्स फाइल पर, और राइट क्लिक कीजिए, फिर न्यू पे आ जाइए और फिर कॉटलिन क्लास फाइल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे क्लास दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर इसको कुछ नाम दे देता हूँ। ठीक है, ट्रिपल यू यही दे देता हूँ और फाइल पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको फन मेन कर देता हूँ, मैं मेन फंक्शन बना देता हूँ और फिर एंटर करके नीचे आएंगे। ठीक है, तो नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को आपको कर लेना है ओपन। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली यहां पर लिखना है वैल। अब इस वैल के बारे में, ये जो वैल लिख रहा हूं मैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे किसी अन्य वीडियो में। यहां पर कर देता हूं फ्रूट्स, एफ आर यू आई टी एस। ठीक है, तो ये फ्रूट्स कर दिया हमने और फ्रूट्स करने के बाद क्या करना है, इज इक्वल टू यहां पर लगाना है एरे। ठीक है, अब एरे के भी बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। लिखता हूं मैं एरे ऑफ, किसी अन्य वीडियो में करेंगे डिटेल में, अभी फिलहाल इसको देखते हैं हम कि कैसे हम ये प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो एरे ऑफ लिखने के बाद यहां पर आपको डबल डॉट कोट्स में फ्रूट्स का नाम देना है। लाइक यहां पर मैं दे देता हूं एम ए एन जी ओ, मैंगो दे दिया हमने, फिर यहां पर कॉमा देंगे। ठीक है, फिर यहां पर देंगे हम पपाया, पी ए पी ए वाई ए, तो ये दे दिया हमने पपाया। उसके बाद फिर यहां पर कॉमा देता हूं और कॉमा देने के बाद फिर यहां पर दे देता हूं मैं ऑरेंज, O R A N G E, यानी कि हम इसमें केवल फ्रूट्स के नाम ही लिख रहे हैं। ठीक है, फिर यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं दे देता हूं लाइक एप्पल। ठीक है, तो ये एप्पल दे दिया। तो यहां पर कुछ फ्रूट्स का ग्रुप हमने बना लिया एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ पर डबल डॉट कोट्स ओपन भी रहेगा, अगर हमने क्लोज किया है तो ओपन भी रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, ये दूसरा ओपन हो गया, इसको हटा दीजिए। ओके, तो ये हमने कर दिया। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप इतना कर लेंगे तो आपको सिंपली नीचे आना है और नीचे आने के बाद अब लगा देना है फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप कैसे लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे फॉर, आपको याद होगा पाइथन में हम कैसे लगाते थे, एक वेरिएबल बना लेता हूं ए नाम से। ठीक है, लिखता हूं ए इन, अब यहां पे बनाया मैंने स्ट्रिंग, तो फ्रूट्स कर देता हूं, स्ट्रिंग फ्रूट्स के ही नाम से तो बनाया हमने, तो ये फ्रूट्स कर दिया हमने। और फ्रूट्स करने के बाद इस ब्रैकेट को करिए क्लोज और लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है, ये तो आपको पता ही है, तो एंटर प्रेस कर दीजिए आप। अब एंटर प्रेस करने के बाद क्या करना है, जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो अब हमको प्रिंट करवाना है, तो यहां सिंपली लिख देता हूं प्रिंट। ठीक है, और यहां पर प्रिंट लिखने के बाद मैं लिख देता हूं एलएन। अब एलएन लिखने से क्या होगा इसके भी बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, अभी फिलहाल लिख देते हैं केवल। और यहां लिख देता हूं ए, आपको याद होगा जावा में हम एलएन भी लिखा करते थे, तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम। और यहां पर रन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और यही हमारी फाइल है ना, डबल क्लिक कर देता हूं, देखते हैं रन होने पे क्या होता है। तो यहां पर जैसे ही ये फाइल रन होगी तो आप देख पाएंगे कि यहां पर केवल ए ए ए ए ए ए प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब ये ए ए प्रिंट होने के पीछे चक्कर क्या है कि यहां पर हमने डबल एडेड कोट्स लगा दिया है। ठीक है, ये डबल एडेड कोट्स आपको नहीं रखना है, आपको सिर्फ बिना डबल एडेड कोट्स के इसको सेव मतलब रखना है। ठीक है, और यहां पर आप रन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास फ्रूट्स के नाम आएंगे रन होने पर। ठीक है, और लाइन भी चेंज होती रहेगी, यहां पर देख सकते हैं मैंगो, पपाया, ऑरेंज और एप्पल आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये एलन हटा देता हूं तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी आपको कि आप अलग अलग लाइन में प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए मैं इस एलन को हटाता हूं और फिर आप देखेंगे कि जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं अब ये प्रोग्राम रन हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैंगो पपाया सब एक के में आ रहा है, तो एक में तो लिखना नहीं है, तो यहाँ पे एल एन लगा दीजिए, ज्यादा बेहतर है, और यहाँ पर रन करवा दीजिए। तो अब रन करवाएंगे तो अब अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर आएगा जैसे पहले हो रहा था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।